हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाली है। यार तरीका क्या होता है इस वीडियो को बनाने के लिए, प्लस आपको कैसे शूटिंग करना है, वो वीडियो भी मैं इस साइड में दिखाऊंगा। तो आप वो वीडियो देख लीजिए कि इस तरीके का आपको शूटिंग करना है, उसके बाद से कैसे आपको एडिट करना है, ए टू जेड स्टेप बाई स्टेप करके बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूं आप सभी को मेरी इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। आप अगर चैनल पर नया आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरा कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो है, ट्रेंडिंग टाइप का VFX है, इस चैनल पे आते रहता है। टिकटॉक रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग वीडियो है, इस चैनल पे ट्यूटोरियल आते रहता है, तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकता है कि उस वीडियो का ट्यूटोरियल दे दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे डिटेल्स में आपको बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपना स्मार्टफोन में। इसके बाद से काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करके ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 9:16 का रेशियो ले लेंगे दोस्तों, और आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे अब, ठीक है। अब आपको जाना है मीडिया पे, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा आपको कैसे ये वीडियो बनाना है, तो एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। मीडिया पे जाएंगे, आपका गैलरी कुछ इस तरीका का ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको जाना है वीडियो में, या जो भी आपका वीडियो है जहाँ पे आप वीडियो रखे हैं, तो ये वो वीडियो है जिसके वीडियो में हमको डूइट टाइप का करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके का वीडियो है, इसी में आपको करना है। तो इसमें एकदम सिंपल तरीका है, तो कैसे करना है यही आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एक बार हम प्ले करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। साउंड हम ऑफ रख के उसके बाद से वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। बाद में आपको एक ही बार वीडियो को दिखाएंगे। अब इसको एक बार मैं प्ले करता हूँ और देखेंगे, जहाँ करण बोलता है, करण जहाँ बोला वहाँ पे वीडियो को क्लिक कीजिए। वीडियो के ऊपर क्लिक करके सीजर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्प्लिट एट प्लेहेड करके बीच से काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ओके करते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, आपको अपना एक वीडियो शूट किया हुआ वीडियो यहाँ पे लानी है, तो आपको जानी है मीडिया पे। मीडिया के बाद आपको जाना है वीडियो पे। अब जो भी वीडियो आप शूट किए हैं उस वीडियो को यहाँ से आप लेके आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके का ये वीडियो शूट किया है, देख लीजिए ऐसे करके। और ये अगर आप बाइक पे करते हैं तो बहुत ही कमाल का और बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बार क्या करता हूँ, इस वीडियो को लेफ्ट साइड को सीजर में क्लिक करके लेफ्ट साइड को काट लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड का हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें साउंड का ये भी जो भी साउंड होता है, इसको साउंड को आप ऑफ कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत सारा साउंड भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी प्ले करता हूँ, ये नॉर्मली चला है ऐसे, तो इतना दूर तक का ना आप थोड़ी सी फास्ट करेंगे, तो ये बीच से वीडियो को और थोड़ा सा पीछे लेके, थोड़ा सा आप पीछे ले लेंगे इसको, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा पीछे लेंगे, ठीक है। तो इसको पकड़ के इधर लेके आ जाइए और यहाँ पे आप काट लीजिए। काटने के बाद बीच से आप काटेंगे, इसको ओके करेंगे, उसके बाद से इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितना फास्ट हो सकता है जितना फास्ट आप कर लेंगे। उसके बाद से इस पार्ट को आपको स्लो करना है दोस्तों, तो यहाँ से इसको इस लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये स्लो होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इतना दूर का दिखाता हूँ, देखिए ये कैसे इतना दूर का कैसे बना है। वहाँ से फास्ट है और यहाँ से देखेंगे एकदम स्लो होके दौड़ रहा है, ठीक है। तो और थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सीजर पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट अप प्लेहेड करके काट लेंगे, क्योंकि इतना ही का ज़रूरत है। अब दोस्तों देखिए आपका मेन काम कहाँ है, ये वाला जो बीच में जो देख रहे हैं सादा वाला, यहाँ पे क्लिक करके आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे। आपको सबसे नीचे आनी है, एक्सेलरेशन का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए, क्योंकि यही ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसको आप क्लिक करेंगे और स्पीड इन का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए जैसे ये चेंज होगा तो कितना अच्छा से यहाँ पे देख लीजिए लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद से इसको ओके करते हैं, फिर यहाँ से ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन एक बार और लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम जूम आउट वाला लगा, स्पीड आउट वाला लगाते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए एक स्पीड है, स्पीड आप जितना चाहें, अगर लेट लेट से चाह रहे हैं तो लेट लेट से होगा, आप फास्ट चाह रहे हैं तो फास्ट होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए वैसी उसी तरीका का किया हुआ है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा तरीका से लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ओके करते हैं। ओके करके अब एक बार मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए
इस तरीके का चिल्लाएगा जैसे अब ये दौड़ के इधर से आएगा और ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा तरीका से लग रहा है, अपना हिसाब से आप अगर जूम कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा तरीके से ये वीडियो को लगेगा दोस्तों। जहाँ जहाँ करण बोल रहा है वहाँ पे आपको इस वीडियो को क्लिक करना है, सीजर पे जानी है और स्प्लिटेड प्लेट करके काट लेनी है, और अपना वीडियो को यहाँ से ऐड करने के लिए मीडिया पे जाएंगे, अपना आप जो वीडियो शूट किए हैं वो वीडियो आप यहाँ से लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं वो वीडियो यहाँ से लगा लेता हूँ। अब देखिए लास्ट वाला जो वीडियो लास्ट का पोजिशन है यहाँ पर जो दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर सीजर पर क्लिक करके लिफ्ट ट्रिम कर लेंगे, मतलब लेफ्ट वाला काट लेंगे। उसके बाद से इसको आप क्या करेंगे, स्लो कर दीजिए यहाँ से। जैसे स्लो करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा तरीके से आपको लगेगा देखने में। और जहाँ भी ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है बीच में जो सादा वाला देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन आप यूज़ कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा तरीके से लग रहा है। मैं एक बार और भी दिखाता हूँ, एक बार ऐसे करके देखिए काफ़ी अच्छा तरीके से लगने लगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही दूर का हम लेंगे। जैसे हाथ ऐसे किया हुआ है, उसमें एक ही काम बच गया है, आपका एडिटिंग कंप्लीट है। आपको लेयर पे जानी है, मीडिया पे जानी है, मीडिया पे जाने के बाद आपको वो सॉन्ग को लेके आ जानी है दोस्तों। तो ये वो सॉन्ग है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो लेके आने के बाद आपको सीजर पे जानी है और यहाँ से एक्सेक्ट ऑडियो करके इसको आप डिलीट कर लेंगे। ये आपका गाना जो है नीचे में लग गया है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से ऑडियो फेड आउट को ऑफ करके इसको ओके कीजिए और यहाँ से आप शेयर कर देंगे। और शेयर करने के बाद 720 और 30 रख के यहाँ से दोस्तों एक्सपर्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सपर्ट होगा, आपका वीडियो एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये गैलरी में आपका सेव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, जय हिंद।